जी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में। आज दिनांक 6 नवंबर 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विथ डिटेल्स, ताकि आपको उन प्रश्नों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि एशिया के हाईएस्ट पेड एक्टर से लेकर डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने तक। तो चले जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुपरस्टार रजनीकांत एशिया के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता हैं। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दो है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5 सालों के लिए इस अन्न योजना को बढ़ाया जाएगा। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तीन है, किस मंत्रालय ने जीएसटी के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय ने। दोस्तों क्या आप जीएसटी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? आप गूगल करके भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न चार है, किसके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, NMC अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा भारत के सभी डॉक्टर्स के लिए। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पाँच है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 5 नवंबर अर्थात कल यह दिवस मनाया गया था। प्रश्न छह है, किसने PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए और फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थात RBI ने। प्रश्न सात है, नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मेंटिकुली सेकंड का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न आठ है, भारत और किस देश ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और इटली देश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नौ है, किसने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38SD को विदाई दे दी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दसवें प्रश्न को बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, NBA और किस कंपनी ने भारत में प्रमाणिक NBA माल के लिए एक व्यापक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बानी कंपनी ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय।